जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। एक और नई वीडियो के साथ आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। जिस तरह वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि गोल्डियन के अंडे किस तरह से हम बेंगलीज के नीचे पोस्टर करते हैं, मैंने वीडियो बनाई है। उसमें मुझे कोई दोस्त हैं दो चार जो कमेंट कर रहे थे कि इनकी भाई जो वीडियो आप बनाए हैं कि इसके अंडे पोस्टर किस तरह से किए जाते हैं। तो बड़ा सिंपल है और बड़ा कोई इतना कोई मुश्किल तो है नहीं है, ना इसमें कोई इतनी कोई साइंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो सिंपल है, खैर कोई इतना मुश्किल नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो किस तरह से चलता है ये तरीका, कर किस तरह से किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछली वीडियो लगाई थी कोई 6 या 7 दिन पहले आई थिंक मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मेरा एक पेयर था, उसने ब्रीड नहीं थी कि मैंने आपको बोला था कि ये 1-2 दिन में ब्रीड स्टार्ट कर देगा। तो जो उसकी रीज़न थी मैं आपको वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या थी, उसकी वजह क्या थी कि जिस वजह से वो ब्रीड नहीं पूरी तरह से कर रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको उसकी मैं रीज़न दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ कि इसके अंडे पोस्टर किस तरह से किए जाते हैं गोल्डियन के। ये देखें जी, ले जी ये वाला पेयर है हमारा। तो आपने देखा होगा कि इसके आगे पहले ये वाला बॉक्स लगा था, बॉक्स उतार के मैंने वहाँ पर रख दिया। अच्छा जी, अब मेन इसकी जो वजह जो इसकी रीज़न थी वो ये थी, ये देखें मेल फीमेल बाहर आ गई। अब इसने माशाल्लाह से अंडे अपने दे दिए, लेइंग अपनी पूरी कर ली माशाल्लाह से। तो मैं अभी आपको अंडे भी दिखा देता हूँ। मकसद ये था कि वो बॉक्स का जो आगे से होल है ना वो छोटा है, जिस तरह ये देखें ना जहाँ से बर्ड ने इंटर होना है ना, जहाँ से बर्ड इंटर होना है ना, ये थोड़ा सा ख़राब भी है, टूटा भी हुआ थोड़ा सा। तो दूसरा ये है कि ये इसका होल थोड़ा सा ना कम है, इस वजह से वो फीमेल जो आया थी ना वो थोड़ा सा जो है ना कि वो नखरे कर रही थी, उसके अंदर नहीं थी जा रही। मैंने फिर किया क्या कि मैंने ये लगा दी मटकी। अब मटकी मैंने लगाई है, किस तरह से लगाई ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका मैंने होल किया है बड़ा, इसको मैंने तोड़ा है, इसको तोड़कर मैंने इसका होल जो है ना काफ़ी बड़ा कर दिया है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, इस साइड से थोड़ा सा ना इजी नज़र आ जाएगा। ये देखें ये इसका तरीका मैंने किया, इसको थोड़ा सा मटकी का ना आगे से इसका मुंह जो है मैंने वो तोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। अगर यहाँ से आपको अगर नज़र भी आ जाए तो इसके अंदर माशाल्लाह से अंडे भी पड़े हैं। अंडे इस तरह से तो नहीं नज़र आ रहे, खैर मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो पेड़ है और माशाल्लाह से इसके नीचे आप देखें कि ये इसके नीचे 5 अंडे आ चुके हैं माशाल्लाह से, और इसको इनक्यूबेशन भी पेड़ जो हमारा माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो खैर ये तो तरीका कार जो है कि वो इसका चल रहा है, इस तरह से ये जो मामला इसका जो हो रहा है। तो मैंने कहा चले आपके साथ ये शेयर भी कर देते हैं कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो अच्छा, तो आगे अब आ जाते हैं कि इसको हमने अंडे इनके फोस्टर किस तरह से करने हैं। तो ये देखें मैंने ये मटकी लगाई हुई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको उतार के नीचे रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना डेट 18/10 को इसने 18/10 से इसने अपनी लेइंग स्टार्ट कर दी थी। अब मैं इसको मटकी को पहले उतार के मैं नीचे रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से इसको जो फोस्टर करने का जो तरीकाकार है वो क्या है। तो मैं ज़रा इसको नीचे उतार लूँ लें जी। ये देखें हमने उसको नीचे उतार दिया, जो इनका बॉक्स है मटकी है जो। अच्छा, इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए ना, आपने जो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना आप पहले वो नोट कर लो, हमें चाहिए 1 चम्मच इस तरह का। ये देखें ये स्पून चाहिए, चम्मच चाहिए हमें, और ये दाने वाला बर्तन जो है कि ये हमने उसके बॉक्स के करीब रखना है। तो अब करना क्या है कि सिंपली हमने अंडे उठाने हैं और इसके दाने के अंदर रख लेने हैं। ये देखें जी मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। ये देखें जी यहाँ से उठाने हैं हमने अंडे इस तरह से, ठीक हो गया। अभी मेरा जो हाथ है ना वो दाने की तरफ नहीं आ रहा, तो मैं अभी इसको सिंपली यहाँ पे रखता हूँ। बड़े एहतियात से करना है ये काम, बड़े पुरसकून तरीके के साथ, कोई ज़बरदस्ती या जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं अंडे, आपको पता है, क्योंकि ये हमारी बड़ी मेहनत है इसमें। ये सिंपल काम तो है नहीं है कि जो अभी किया तो हो जाएगा, इसको जो है ना आपने बड़े एहतियात से जो है कि वो लाजमी करना है। अभी मैं इसको ज़रा निकाल लूँ बाहर।
लें जी, ये देखें अंडे सिंपली बाहर आ गए हैं। अब ये माशाल्लाह से 5 अंडे जिस तरह मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह हमारी जो लेइंग स्पेयर ने पूरी कर ली है। अब इसको हमने सिंपली फोस्टर करना है। अब फोस्टर करना है हमने इस पेयर के नीचे, क्योंकि इस पेयर ने जो पहले अंडे दिए थे वो मैंने फोस्टर कर दिए थे यहाँ पे। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी पेंगलीज के पेयर के मेरे जो अंडे निकले थे, जितने भी पेयर ने अंडे दिए थे, वो सारे मैंने एक पेयर के नीचे फोस्टर कर दिए थे इसके नीचे। अब इसके नीचे भी जो हमने फोस्टर किए हैं वो 17-10 को किए थे। इसके नीचे भी गोल्डियन के अंडे हैं। अब इसके नीचे भी गोल्डियन के अंडे जो हमने 10-10 को फोस्टर किए थे इस पेयर के नीचे भी। अब आगे आ जाता है हमारा ये वाला पेयर, इसने माशाल्लाह से 29-9 को हमने इसके नीचे फोस्टर किए थे, जिसमें से बच्चे भी हमारे माशाल्लाह निकल आ चुके हैं। अब ये पेयर जो है, यहाँ पे हमने जो वाइट की पेयरिंग की थी लेकिन वो मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि हमने फोस्टर करवाना है। अभी हमारा जो सीज़न है उसको हमने पहले रेडी करना है, अपना सीज़न जो है कि इंशाल्लाह ताला चला के, जिसमें गोल्डियन की प्रोडक्शन हम लेके उसके बाद हम सोचेंगे कि वाइट को चलाना है किस तरह से चलाना है, वो तो आउट सीज़न की गेम है सारी। तो खैर वो तो मैंने वक्ती तौर पर यहाँ पर छोड़ा था उसको, तो अभी तो हो गया। ये हमने फोस्टर पेयर छोड़ दिया यहाँ पर पोस्टिंग के लिए। इसने नेस्टिंग वगैरह माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुकम्मल कर ली है। अब ये वाला पेयर हमारा फ्री है, और इस टाइम पे ये वाला पेयर हमारा फ्री है, मतलब कि इसने अभी तक अपनी लेइंग नहीं की। 1-2 अंडे इसने शायद दिए होंगे या 3 दे दिए होंगे, तो क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले देखा था उसने 1 अंडा दिया था 2 दिन पहले, तो हो सकता है इसने 3 अंडे दे दिए। अभी हमारा जो पेयर है ये वाला फ्री है, और आगे ये वाला पेयर जो हमारा फ्री हो जाएगा। तो हमने करना क्या है कि हमारे पास माशाल्लाह से पेयर चल रहे हैं 3, एक ये पेयर है, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। अब हमें फोस्टर के लिए बेंगलीज मज़ीद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पेयर ये वाला जो ये तो पहले बेंगलीज के लिए रिजर्व हो गया ना, क्योंकि इसने अपने बेंगलीज के बच्चे निकाल रहे हैं। अब ये गोल्डियन के बच्चे, ये भी इसके नीचे भी अंडे फोस्टर हो जाएंगे, इसके नीचे भी गोल्डियन के बच्चे जो निकलेंगे, इस पेयर के नीचे भी गोल्डियन के बच्चे निकले हुए हैं। अब हमारे पास टोटल 6 पेयर हैं यहाँ पे, हमारे पास जो पेयर हैं वो 6 हैं, और बैंग जो गोल्डियन है हमारे पास वो हमारे पास 3 पेयर हैं, और गोल्डियन के एक पेयर के लिए हमें फोस्टर करने के लिए बेंगलीज के कम से कम 3 पेयर चाहिए होते हैं गोल्डियन के एक पेयर के लिए। तो हमने इसको करना क्या है कि इस तरह का जो मेरे पास केज है, अब मैं वो यहाँ पर ला के नीचे रख दूँगा, ये हमारा दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी का जो केज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें फोस्टर के लिए पेयर चाहिए, तो वो हमारे पास अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह देखें कितने पड़े हुए हैं। तो इस तरह से कि बेंगलीज माशाल्लाह से हमारे पास ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी पड़ी हैं, इनको हम फोस्टर के लिए लेके जाएंगे। ये हमारे पास 15-16 पीस पड़े हुए हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर हम ला के रखेंगे केज अपना, उसमें हम करेंगे फोस्टर। तो अच्छा खैर मैं आपको ये भी तरीकाकार बता दूँ कि आगे हमने ये देखें यहाँ पर अंडे हमने निकाल के रख ली हैं। अब अंडे आगे फोस्टर किस तरह से करना है ये देखें जी। सिंपली हमने इसका उतारना है बॉक्स, लें जी ये देखें जी बॉक्स उतर गया हमारा। अब बॉक्स को करना है ऊपर से ओपन। नेस्टिंग देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इन्होंने की है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसने अंडे कितने दिए हुए हैं। तो इस जनाब इस पेयर ने अंडे दिए हैं माशाल्लाह से 3 अंडे दिए हैं, ये देखें जी इसने 3 अंडे दिए थे। अब ये अंडे जो हैं कि ये भी फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, अब हम इनको आंखें बंद करके भी ज़ाया कर देंगे, हमने ज़ाया इनको कर दिया। अब ये वाला दाने का बर्तन हम निकालेंगे बाहर, इसको रखेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक एक अंडा बड़े एहतियात से उठा के हमने रखना है, क्योंकि मेरे से ये इस तरह हुआ कि जल्दबाजी में मेरे साथ ना 2-3 दफ़ा मेरे पास जो अंडे जो है ना कि वो टूट चुके हैं। अब मैं जो है ना भाई, मैं तो बड़ी एहतियात करता हूँ, पिछले सीज़न में भी मेरे साथ इस तरह से हुआ, तो अभी इस सीज़न में भी जो मेरा फर्स्ट क्लच आया था इस ग्रीन का, इसने एक अंडा खुद तोड़ दिया था जो बाहर दे दिया था, दूसरा अंडा मेरे से रखते हुए इस तरह से टूट गया था। तो जनाब इसलिए एहतियात ज़रूरी है। ये देखें जी अब अंडे आ गए हैं यहाँ पर। अब हम सिंपली यहाँ से एक अंडा पकड़ेंगे, यहाँ पर रखते जाएँगे, फिर यहाँ से एक अंडा पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे रखते जाएंगे। पकड़ने को तो ज़्यादा भी पकड़े जाएंगे, मसला नहीं है। कोई देखने वाला ये भी कह सकता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, एक अंडे को टाइम ज़ाया कर। तो भाई एहतियात बड़ी ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले है एहतियात, क्योंकि हमने इनसे लेनी है ब्रीड, हमें गोल्डियन के चाहिए बच्चे। इस वजह से हमें थोड़ा सा अगर 5 मिनट भी ज़्यादा लग जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, 5 मिनट में हमने कौन सा क्या कर लेना जाके। इस वजह से ये ज़रूरी एहतियात है। ये देखें जी माशाल्लाह से
अगर आपको नज़र आए तो हमने ये देखें जी, ये 5 अंडे हमने माशाल्लाह से फोस्टर इसके नीचे कर दिए हैं। तो मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने उसके नीचे 5 अंडे फोस्टर कर दिए हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ गए, आप देखें क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो होते हैं बेंगलीज़ के अंडे हम फोस्टर करते हैं गोल्डियन के बेंगलीज़ के नीचे। तो सिंपली हम ये बॉक्स अब लगा देंगे यहाँ पर। ये देखें जी, अब देखें जी बॉक्स हमने लगा दिया। अब हमने करना क्या है, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे एक टैग के किस पेयर ने अंडे दिए हैं और किस पेयर के नीचे हमने फोस्टर किए हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये देखें, ये मैंने ना थोड़ा सा लिख के यहाँ पे रखा हुआ था, ये उल्टी साइड है सॉरी, ये वाला, ये देखें 4 अंडे हमने सॉरी 5 अंडे हमने फोस्टर किए हैं इस पेयर के नीचे 25/10 को। अभी डेट इसकी मैं जो है ना वो अंडे इसके मैं करता हूँ सेट। अंडे हमने 5 फोस्टर किए हैं, ऊपर मैंने 4 लिख दिए थे। खैर वो इशू नहीं है, वो कौन सा कोई मसला है। अब ये देखें ना, जो मैंने अपना तरीका का रखा हुआ, ये देखें ये मार्कर, यहाँ पे हम इसको कर देंगे 5। लें जी, अब पेयर नंबर है हमारा 2, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा P2, ठीक है। तो खैर मैं अकेला हूँ, मोबाइल भी मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, बताता हूँ। लें जी ये देखें जी, पेयर नंबर 2, 25 तारीख, 10वां महीना, 5 अंडे हमने इसके नीचे फोस्टर किए हैं। ये मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, ये अभी आपको महसूस हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन ये मैं क्लियर इसको कर दूंगा बाद में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा। अब इसका जो जो हमने ये उतारी है, मटकी उतारी है, बॉक्स उतारा है, अब हम इसको कर देंगे बिल्कुल फ्री। अब दोबारा इसको यहाँ पे लगा दें। अच्छा, इसकी जो रीज़न थी ना, मैंने आपको पहले भी बताई, इसका जो होल था ना वो बड़ा छोटा सा था। तो गोल्डियन इस तरह से भी थोड़ा बहुत जो है ना कि वो अपने आप को डिस्टर्ब करती हैं, कि वो उनका जो अंदर जाने की जगह, बाहर आने की जगह, उसको वो सिक्योर महसूस नहीं करती। तो इस वजह से जो आप भी है ना कि इस तरह से एहतियात करें कि जो इनको ज़रा थोड़े से बड़े मुँह वाला जो बॉक्स आता है, जिस तरह से ये वाला बॉक्स है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा, आगे से मुँह बड़ा, ये इसमें भी बड़े ईजिली ब्रीड करेंगी। तो मेरे पास तो ये खैर ये मटकियाँ पड़ी हुई थी, अभी भी ऊपर मेरे पास काफ़ी पड़ी हैं, मैंने तो ला के इसको ये लगा दी है। तो बॉक्स भी अगर इंशाल्लाह ताला ज़रूरत पड़ी तो मैं ला के इसको लगा ही दूंगा, बॉक्स का वो तो कोई मसला नहीं है, 250 रुपए का बॉक्स आएगा बड़ा अच्छा, तो वो भी मैं ला के इसको लगा दूंगा। लेकिन अभी जो है ना कि मैं इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ चला रहा हूँ, कि ताकि इसकी जो ब्रीड है हमारे पास जो वो आती रहे, सीज़न हमारा ख़राब ना हो, ये ना हो कि हम तजर्बा करते करते अपना सीज़न भी ख़राब कर लें। ये भी एहतियात जो बर्ड के साथ है बड़ी ज़रूरी है, कि ये जो मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ ना कि आप इस तरह के तजर्बे जो है ना कि वो आप ना करें, क्योंकि सीज़न जब स्टार्ट हो गया तो अगर आप इस तरह का तजर्बा करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, कि आपके बर्ड जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो खैर ये मामला था, तो मैंने कहा आज के आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं कि बेंगलीज के नीचे गोल्डियन के अंडे फोस्टर किस तरह से किए जाते हैं। आपको पूरा A to Z मैंने तफसीलन बता दिया है, तो इसमें कोई इतनी कोई साइंस तो है नहीं है, ना इसमें कोई इतना कोई समय लगे कोई पहाड़ पे चढ़ना, सिंपल सा जो है वो काम है जो हमने किया है। सिर्फ इसमें एहतियात जो है ना कि वो आपने बड़ा ज़रूरी करनी है, क्योंकि ये असल में जो अंडे हैं ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत बारीक क्योंकि छोटे साइज़ में है, तो एहतियात जो है ना कि वो आपने लाजमी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ चले शेयर कर देते हैं छोटी सी वीडियो बना के, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।